तो लेना देना कुछ नहीं भाई, फालतू अच्छे पे ड्यूटी फ्री एरिया पे। हमारा आ चुका है डिनर और यहाँ पे एक सीन हो गया है के साथ। तो भाई तभी हम लोग आज अभी होटल से चेकआउट कर लिया हम लोगों ने, हमारा सारा लगेज यहाँ रखा हुआ है। मेरा हिमांशु, हमारी एक्चुअली टैक्सी आ रही है, हम लोग अभी जा रहे हैं एयरपोर्ट से, निकल रहे हैं यहाँ से। और हम लोग एक्चुअली गेस्ट हाउस में रुके हुए थे, ये कुछ सहाना गेस्ट हाउस यहाँ रुके हुए थे हम लोग, तो इसलिए मैंने रूम का ब्लॉग बनाया था, खास रूम नहीं था। बाकी अभी टैक्सी आ ही रही होगी हमारी, तो सीधा भी निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए। कैसे भाई हिमांशु, एक्साइटेड? भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बस एसी आए, टैक्सी आए और एसी में बैठने में साला पसीना पड़ा। आ गई आ गई आ गई आ गई टैक्सी भाई, सामने ये टैक्सी आ गई। हाँ बोला बोला। तो शिवा भाई यहाँ पे अपना बैग रखते हुए, शिवा भाई छोटा बैग भी रख दो, बड़ा बैग आगे रखते हैं। बड़ा बैग तो बड़ा बैग हम आगे रखने वाले हैं, उधर रख दे देना पड़ा। सो भाई एयरपोर्ट के अंदर तो आ गए, लेकिन हमारा जो फ्लाइट का टाइमिंग है वो रात का है 10 बजे का, और हम लोग घुस गए सिर्फ 2 बजे ही घुस गए। तो अभी बैठे हुए हैं हिमांशु में एयरपोर्ट में वेटिंग रूम वेटिंग एरिया में बैठे हुए हैं। सो भाई एयरपोर्ट पे बैठे बैठे बज कितने बजे हिमांशु? 5:30। सो टाइम हो गया 5:30, हम लोग कब से 2 बजे से बैठे एयरपोर्ट में, 5:30 हो गए और ठंडी लग रही थी, हमने जैकेट निकाला, जैकेट पहन लिया है। और हिमांशु बॉटल के साथ खेल रहा है भाई, जिंदगी में तो खेल रहे हैं बॉटल के साथ ही खेल, जिंदगी इसके साथ खेल रही है और ये बॉटल के साथ खेल रहे हैं, बताओ। तो अभी हमारा बोर्डिंग स्टार्ट होगा कितने बजे? 6 बजे ना? 6 बजे 6 बजे हमारा बोर्डिंग स्टार्ट होगा। तो हम लोग सीधा फिर जाएंगे अपना लगेज वगैरह लेके वहाँ पे, और ब्लॉग तो आपको देखने मिलेगा ही आगे क्या हो रहा है अभी भाई। बाकी तो डर लग रहा है मेरे को थोड़ा सा, हिमांशु भाई डर लग रहा सही में? डर क्या है, चीते बिस्लरी बिस्लरी की पन्नी फटी है वो मैंने निकाला। तो भाई थोड़ा डर लग रहा है, फर्स्ट टाइम है भाई मेरा फ्लाइट में, पहली बार है, पहली फ्लाइट है मेरी लाइफ की, और वो भी इंटरनेशनल सीधा। किस्मत तो ऐसी है ना हिमांशु भाई, किस्मत तो ऐसी होना था ना हो। हाँ मोबाइल चार्ज में लगा हुआ है। तुम लोगों ने यहाँ मोबाइल चार्ज में ला के रखे, हो गया मेरा चार्ज कहता हुआ, पकड़ आ रहा है वॉशरूम से भाई, मेरे को भी आना है 99 हो गया। सो लेना देना कुछ नहीं भाई, फालतू वहाँ पे रुका लेते, क्या कौन सा ये क्या बोला? सो लेना देना कुछ नहीं, हमारा बोर्डिंग पास के लिए वहाँ पे हमको रुका लिया था हिमांशु ने, ज़बरदस्ती ज़्यादा का सामान लेके आया था कुछ तो भी 27 kg, हमको अलाउ था 23 kg, चेकिंग बैग और कैरी बैग था हमारे पास में, जो कैरी कर सकते हम लोग फ्लाइट के अंदर, वो था 7 kg। तो बोर्डिंग पास मिल गई है तो कुछ ब्लॉग बना भाई, सीन कुछ ऐसा हो गया था। बाकी अभी हमने थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट किया, इसमें ये 7 kg हाथ में और ये हिमांशु का 7 kg मैंने फिर से अपने हाथ में ले लिया। तो बाकी अभी चलते हैं हम लोग, अभी किधर किधर जाना है अभी? सिक्योरिटी चेकिंग के लिए जाना है अभी आगे के पास। हाँ और कौन सी यहाँ से जाने का? अभी सभी हम लोग आ चुके हैं सिक्योरिटी चेकिंग के लिए, इस तरीके की भीड़ लगी भाई आपने। तो गाइस इमिग्रेशन हो गया हमारा कंप्लीट, सिक्योरिटी चेकिंग भी हो गया है और हम लोग आ चुके हैं ड्यूटी फ्री एरिया पे। ये रहा मेरा पासपोर्ट, ये मेरी फ्लाइट की टिकट, अभी हो गया सब कुछ ख़त्म, सिर्फ फ्लाइट का ही वेट है बस, बाकी कुछ इस तरीके का ड्यूटी फ्री एरिया। हिमांशु तो क्या बोल रहा था, बोल काफ़ी सस्ता है बोले? हाँ हाँ सस्ता है, ये देख ड्यूटी फ्री, स्पेंड 10K गेट 10K, वाह।
ओके आईफोन के प्राइस हैं यहाँ पे कौन सा है 15 प्रो सर 512 GB 1,18,000 भाई सस्ता है बाकी मतलब एज़ कम्पेयर जो अपना जो नागपुर में मतलब नागपुर में जो मोबाइल शॉप में मिलता है उससे सस्ता है एक्चुअली अभी सस्ते हाथ में बोर्डिंग पास बोर्डिंग पास फर्स्ट टाइम फ्लाइट में चढ़ रहा हूँ भाई फ्लाइट के अंदर आ गए अपना क्या है भाई किधर है अपना 48 है क्या 48 आ गया भाई कंधा दर्द करने लग गया ये मालूम साला स्मार्ट ही नहीं हमको फ्लाइट में बैठे हुए करीब 12 घंटा हो चुका है और अभी धीरे धीरे कुछ खाने पीने के लिए आ रहा है देखिए अभी और हाँ मैं आपको बताया नहीं ये है हमारे सामने में डिस्प्ले इसमें मूवी देख रहा था अभी हॉरर एक जो उन्होंने एक हेडफोन दे दिया था अभी एक यूज़ करने के लिए इधर पे क्या भी है ब्लैंकेट है इसमें रखा हुआ मैंने ध्यान नहीं दिया बाद में ये उड़ के दिखाने वाला है तो उधर पे एक ब्लैंकेट रखा हुआ है उसको अपन ओपन कर सकते हैं डिनर सो मैंने एक्चुअली वेज लिया है और हिमांशु ने नॉन वेज लिया है मैं नॉन वेज नहीं खाता हूँ इसलिए मैंने वेज ही मंगाया भाई तो इसमें क्या क्या है मैं एक्चुअली दिखाई नहीं एक केक टाइप में कुछ सैलेड है और इसमें क्या है पता नहीं देखते हो क्या पराठा सब्जी रोटी है हाँ हाँ वही ये पराठा है ना और ओपन करना तो क्या केक है ना हाँ केक चावल में दिया चावल है भाई राइस और दाल है मच 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 लेटर रियाद में और बाहर हमारा डेंजर भी लैंड किया है और वहाँ से बस में बैठ गए और अभी जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ सो गाइस लगेज मिल गया अपना और हम लोग पहुँच गए अभी रियाद में जैसे आपको बताया तो हम लोग यहाँ से एग्जिट हो रहे हैं The next morning. सो गाइस हम लोग पहुँच गए थे रियाद कल रात को और अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30 हो गए हैं सुबह के और यहाँ पे एक सीन हो गया गाइस हम लोग के साथ में सीन बुरा नहीं बोल सकते लेकिन हाँ थोड़ा सा सीन तो हो ही गया है हमारे रूम में ना वाईफाई नहीं है तो अभी वही सोच रहा हूँ मैं कि भाई वीडियो तो बना रहा हूँ लेकिन पोस्ट कैसे करूँगा जहाँ पे हमारा वर्क लोकेशन है वहाँ पे तो है वाईफाई वगैरह लेकिन यहाँ पे भाई नहीं है हमारे रूम में सो उसका भी एक प्रॉब्लम है और हिमांशु भाई का पूरा मूड उदास हो चुका है क्या बोल रहे हिमांशु भाई बोलो क्या करे जिंदगी झंड जैसे लग रहा है बस वाई फाई का सीन है रूम तो भी ठीक ठाक है रूम तो भी ठीक ठाक है मतलब एसी वेसी सब है रूम में सो अभी देखते हैं यार वाईफाई का जुगाड़ होता है कुछ तो वीडियो आपको देखने मिलेगा ही बाकी आप व्यू देख सकते हो ऐसा कुछ हमारे ये रहा हमारा इधर पीछे में रूम ऊपर साइड में और ये सामने में कुछ ऐसा सीन है सामने का तो अभी करूँ क्या वो समझ में नहीं आ रहा मेरे को लग रहा बैठे रहो तो देखिए जैसे भी रहूँगा आपको अपडेट मिलते रहेगा बाकी
मैं सोच रहा यार वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, क्योंकि नया एपिसोड चालू करना है, अभी नया वीडियो चालू करना पड़ेगा। सो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नया सब्सक्राइब करना, बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और मिलते हैं न्यू वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।